हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एचडीएच। इस वीडियो में मैं जावा स्टैंडर्ड में एयर फिल्टर लगाने वाला हूं। तो कंपनी का जो एयर फिल्टर है वो पेपर का एयर फिल्टर है, जो कि हर 10,000 किलोमीटर में उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं जावा में जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट कॉटन गज वाला आता है वो लगाने वाला हूँ। तो ये जो कॉटन गज एयर फिल्टर है ये लगभग आपका 1,00,000 किलोमीटर तक चल जाता है। ये रीयूजेबल है। तो इंटरसेप्टर में मेरा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया हुआ हूँ, जो कि 4 साल हो चुका है, अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। और वो कंपनी का नाम है एंगेज पावर पार्ट्स। तो इस बार मैं जावा में एंगेज का नहीं, कोई दूसरा एक नया कंपनी का लगाने वाला हूँ। कंपनी का नाम है स्क्रोल ऑटोमोटिव एयर फिल्टर। तो स्क्रोल एक नया कंपनी है जिसको लगाने के लिए मैं सोचा हूँ, इसलिए क्योंकि उसका जो यूजर मैनुअल है उसमें कुछ 2-4 बातें लिखा हुआ है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं स्क्रोल फिल्टर लाया हूँ। वीडियो के एंड में मैं एक छोटा शॉर्ट क्लिप दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा, और इमेजेस भी मैं डाल दूँगा क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी वो फिट हो चुका है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्क्रोल एयर फिल्टर जो है उसका पहला पॉइंट ये है कि उसका जो फिल्टर का जो मटेरियल है उसको पेटेंटेड फिल्टर कहा जाता है। पेटेंटेड फिल्टर जो कि एक नया टेक्नोलॉजी है, और वो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कोई एयर फिल्टर कंपनी पेटेंटेड एयर फिल्टर यूज कर रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर में, पहली बात। तो पेटेंट फिल्टर क्या होता है, जिसको हम हेपा फिल्टर भी बोल सकते हैं। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर उसको कहा जाता है। तो ये जो हेपा फिल्टर है आपका जो घर में जो यूज होता है, रूम में यूज होता है आपका, जो रूम को प्यूरीफाई करने के लिए एयर प्यूरीफायर जो यूज किया जाता है, जो मशीन्स वगैरह आते हैं उसमें हेपा फिल्टर यूज किया जाता है। आपका जो एसी आता है अभी का नया टेक्नोलॉजी में, जो सब एयर कंडीशन आता है उसमें भी हेपा फिल्टर यूज किया जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी से, उसी मटेरियल से यूज करके ये वाला एयर फिल्टर बनाया हुआ है, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जो कि हेपा फिल्टर यूज कर रहा है, पहली बात। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि आपका जितना भी कॉटन गज आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है उसको मेंटेन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए जो रिचार्ज की जाता है उसके साथ अलग से खरीदना पड़ता है रिचार्ज किट, जो क्लीनिंग किट भी कहा जाता है, उसको खरीद के आपको हर 10,000 किलोमीटर में या एयर फिल्टर मैला होने के बाद उसको क्लीनिंग किट यूज करके साफ किया जाता है। लेकिन इसमें कंपनी रिफर किया है कि कोई भी क्लीनिंग किट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपका जो लिक्विड सोप आता है या लिक्विड डिटर्जेंट या फिर फ्रेश नॉर्मल वाटर से आप इसको डायरेक्टली साफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तीसरी बात यह है कि इसका जो फिल्टर कैपेसिटी है वो 99.6% तक ये एयर को प्यूरीफाई कर सकता है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, दूसरे कंपनी में इतना हाई क्वालिटी का फिल्टर नहीं है। और चौथी बात यह है कि ये जो स्क्रोल कंपनी है ये इंडिया में जितना भी टू व्हीलर सेगमेंट में जितना भी व्हीकल चल रहा है, फोर व्हीलर सेगमेंट में जितना भी व्हीकल चल रहा है, सभी का एयर फिल्टर ये बनाते हैं। और 5 नंबर पॉइंट ये है कि इसका जो प्राइस है दूसरे कंपनी से भी थोड़ा कम प्राइस है। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसको मैं खरीद के ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ। आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा स्क्रॉल ऑटोमोटिव एयर फिल्टर।